कैसे यूपीएससी जो है हमारे देश के यूथ का मतलब करियर और इवन जो एक होता है बहुत ही गोल्डन पीरियड जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो क्या लगता है अभिनव, कैसे ये डिस्ट्रॉय कर रहा है और क्या यूपीएससी मतलब ऐसा सच में कर रहा है? सी, ये जो अपना एग्जाम है यूपीएससी का भी जो अपन लोग बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की, यूपीएससी कई सारे एग्जाम कराता है बट इसमें अपन लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं। मतलब ये एक यूपीएससी तरीके सीएससी से, जिसे बोलते हैं ये हाँ लोग ना। सीएससी यूपीएससी सीएससी बोलते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ऐसे कोई बहुत ही वो नहीं है, इट्स अ वेरी नाइस सिस्टम, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। एक तरह मतलब अगर इसको सोचें तो बहुत ही अच्छा है, एक एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ये देश के हर यू मतलब हर यूथ को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका बैकग्राउंड कि वो कहाँ से था क्या करता था, अगर वो मेहनत करता है, मतलब इसका एम पूरा यही है कि अगर आप मेहनत करते हो, बहुत अच्छे से आप मेहनत करते हो, तो आप देश की बड़ी से बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकते हो। आप आईएएस बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो, जो देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट पोजिशन है वो आपको मिल सकती है। तो ये अच्छा है क्योंकि क्या है कि अगर इसमें ये भी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने लाइफ में क्या किया, अगर एक एग्जाम लेते हैं, अगर आप होशियार हो, आपने खूब अच्छे से पढ़ाई की है, ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको कोई भी पोजीशन मिल सकती है। तो ये जो सिस्टम है यूपीएससी का, ये बहुत ही जस्ट सिस्टम है इस हिसाब से देखा जाए। लेकिन इसी यही जो रीजन है कि है ना, क्योंकि ये हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है बहुत बड़ी पोजिशंस के लिए, यही जो है मेरे हिसाब से यही एक रीजन बन जाता है कि ये यूथ के लिए उनका मतलब सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, उनका जो पोटेंशियल है उसको डिस्ट्रॉय करने में ये देश में सबसे बड़ा रीजन बन गया है मेरे हिसाब से। और भी कई रीजन हो सकते हैं लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है कि है ना, अगर अपने यूथ को कुछ और करें, वो लाइफ में कुछ और करें, काफी कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर कोई बैठ के बस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करता रहता है कि भाई मेरे को तो आईएएस ही बनना है, मेरे को आईपीएस ही बनना है, और कुछ नहीं बनना है। एक बार फेल होता है फिर तैयारी करता है, फिर फेल होता है फिर करता ही रहता है और उसकी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती है। तो अभिनव, मुझे लगता है कि सही बोल रहे हो तुम कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मतलब 11 लाख लोग बैठते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, जिनमें से सीट्स कितनी है 1100। तो अगर वैसे देखें तो ये रेशियो भी कितना हो गया, मैक्सिमम सीट्स हैं और कई बार उससे कम ही रहती हैं। राइट राइट, और 1100 है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 1000 बंदे, अगर 1000 बंदे एग्जाम देते हैं तो उसमें से सिर्फ एक सिलेक्शन होता है, तो बाकी लोग 999 लोग क्या कर रहे हैं, मतलब फेल हो रहे कुछ हैं भी नहीं कर रहे वो, है ना, वो बस बैठे हैं बस। और उसमें से अगर अगर उसमें से हम कंसिडर भी करें तो सपोज 100 लोग कोई दूसरे एग्जाम में चले गए, कहीं इधर उधर इधर होके कोई दूसरे एग्जाम निकाल, और ये भी मान सकते हैं कि है ना 1000 में से 200-300 हैं जो सीरियस नहीं होंगे, वो अपना कुछ और करेंगे, चलो उनको भी हटा देते, बाकी देखे तो कम से कम 500 अराउंड मतलब 500 लोग हैं जिनका तो कुछ भी नहीं होता, ना तो वो दूसरे एग्जाम में निकाल पाते हैं ना इस एग्जाम में निकाल पाते हैं। और फिर बाद में होता क्या कि वो तैयारी भी करते हैं कितने 6-6, 7-7 साल 5-5 साल तैयारी करते हैं, तो जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो ब्रेन होता है, जो एकदम फ्रेश ब्रेन होता है, उससे मतलब अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो तो पता नहीं कितनी कितनी चीजें, नई चीजें कर सकते हैं, कितने रिसर्च हो सकते हैं, कितना कुछ नया सिस्टम क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, एक रूम में बैठे बैठे बस एक ही चीज रटना करना, क्योंकि एक्चुअल में तो ये रटने वाला ही है ना सिस्टम, दिमाग वाला तो मतलब कहीं कहीं है, मतलब ज्यादा तो ये रटने वाला ही है कि पास्ट में क्या हुआ, हिस्ट्री है, में जस्ट क्या कि हुआ, आपको अपने इन्फॉर्मेशन दिमाग में भर लेनी है और पेपर में जाके उगल देनी है, मतलब जो कि इन्फॉर्मेशन अभी मोबाइल फोन पे देखे तो इजीली अवेलेबल है, मतलब ऐसा नहीं है, पहले का टाइम था नहीं था, तो इनको सिलेबस भी थोड़ा मतलब मेरे को लगता है अपग्रेड करना चाहिए। तो रेशियो इतना कम है, प्लस जो मतलब मानता हूँ कोचिंग में भी ऐसा ही होता है जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब जगह 10% के अराउंड ही होता है मतलब ना सिलेक्शन का रेट, लेकिन 10% तो बैटर, 1% तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1% इज लाइक 1% भी नहीं है, 0.1% जहां पे सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत ही 0.1% मतलब ना अभी जैसे हम देखते हैं मतलब जैसे बाकी कोचिंग्स वगैरह होती है जैसे आईआईटी की हो गई या फिर नीट वगैरह की, उनमें 10% के अराउंड का सिलेक्शन रेशियो होता है, मतलब अच्छी कोचिंग वगैरह है तो 10% लोगों तक का हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है बाकी लोग भी खराब हो जाते हैं, वो भी कहीं है ना प्राइवेट कॉलेज वगैरह अच्छी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा वही बात है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यही सबसे बड़ा जो रीजन है कि अगर कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है ठीक है, अगर 1-2 साल में उसका नहीं होता है, उसको भाई आगे और कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ और जाके अपना कहीं और किसी प्राइवेट कॉलेज में करेगा बट अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, बट आगे बढ़ जाता है एग्जाम है कि भाई इंसान अगर फंस गया तो फंस गया, वो उसको और कुछ करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, वो बस इसी की तैयारी में लगा रहता है। और स्पेशली जो 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 बच्चे आते हैं मतलब एकदम पीक अपने कॉलेज का ग्रेजुएशन खत्म करके अराउंड द एज ऑफ 20-21 लोग इसमें कूदते हैं,
कि मेरे को अब आईएएस की तैयारी करनी है, जो कि अगर एक बच्चा उस समय कुछ स्टार्टअप पे ध्यान दे, कुछ भी करे अपनी लाइफ में, हायर स्टडीज करे, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, वो आके इसकी एग्जाम की तैयारी में लग जाता है और कहाँ उसकी जिंदगी के 5-6 साल खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है और उसका जीरो आउटपुट होता है, कुछ भी उसको फायदा नहीं मिलता है। और अभिनव इसमें एक और चीज भी है, ये जो स्टूडेंट्स आते हैं उसमें बहुत बड़ा रेशियो है जो की अच्छी कॉलेजेस से आते हैं, जैसे IITs हो गया, IIMs हो गया, या फिर है ना नीट की जो बड़ी कॉलेजेस वगैरह, जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, वो लोग आते हैं। हम लोग ये नहीं करते, वो 6-7 साल है ना, ऑफ कोर्स हमें पता है कि अगर 2 साल का गैप आ गया तो फिर वो जो पढ़ा उन्होंने 4 साल में वो सारा गायब हो जाता है, जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो सारा दिमाग से मतलब ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, तो फिर वो नहीं रहता मतलब ऐसा। वही, और कंट्री को ऐसा नहीं है कि कंट्री को ऐसा नहीं आईएएस की कमी हो जाएगी कि देश में आईएएस की कमी है, आईएएस चाहिए हमें देश में, डॉक्टरों की कमी है, इंजीनियरों की कमी है, अब वो सब छोड़ के आ जाते हैं इसकी तैयारी करने में, जैसे कि भाई आईएएस नहीं हो और भी तो फील्ड है अगर देखे ना, अभी ना जैसे जज हो गए, सीए हो गए, इन सब की बहुत कमी है मतलब। बच्चे जो लॉ पढ़ते हैं वो भी जाके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हर जगह के बच्चे जिनको अपने रीजन जिसमें एक्चुअली में देश में जरूरत है, जिसमें मैन पावर की जरूरत है, वहां ना जाके बच्चे यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं।